हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है सीक्रेट गर्ल्स मिशन। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले एज ऑलवेज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें प्रिस्कॉट अकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ गवर्नमेंट एंड सीक्रेट इंस्टीट्यूशन लड़कियों को असेसेंस बनने की ट्रेनिंग देता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है हार्डमैन, जो इन लड़कियों को 10 महीने की ही उम्र से अपने साथ ले आया और इनको ट्रेनिंग देना शुरू भी कर दिया। हार्डमैन इन लड़कियों की अपब्रिंगिंग में इनका कनेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं होने देता। अब हमें दिखाया जाता है कि महज 3 साल की उम्र में ही इन बच्चियों को इनकी हाइट से भी ज़्यादा लंबी बंदूक चलानी सिखाई जाती है और दोस्तों 5 साल की उम्र तक तो इन्हें कार चलाना भी सिखा दिया जाता है और 8 साल तक आते आते ये लोग इतने ज़्यादा माहिर हो जाती हैं कि ये कार चेज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब ये लड़कियां रोज़ाना यहाँ अलग अलग और तरह तरह की फाइटिंग स्किल्स पर काम करती हैं ताकि जब भी ये टीनेजर बने इन्हें खतरनाक मिशंस के लिए यूज़ किया जा सके और कोई इन पर शक भी ना करे। दोस्तों, हार्डमैन का सबसे ज़रूरी नियम यहाँ पर यह है कि ये लड़कियाँ आपस में कोई रिश्ता ना बनाएं और इसी नियम की वजह से ये लड़कियाँ अनाथ होने के बाद भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखती। इन लड़कियों का कोई नाम नहीं होता, इन्हें बस इनके एजेंट नंबर से बुलाया जाता है। और दोस्तों, इस समय इनकी बेस्ट स्टूडेंट है नंबर 83, जो एक किलर की तरह शूट करती है और फाइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसे कभी रिश्ता ना बनाने वाला नियम समझ ही नहीं आता। अब एक दिन इन्हें एक काम दिया जाता है जिसमें इन्हें एक डॉल को स्टैब करना होता है। सभी लड़कियां उनको स्टैब कर रही होती हैं, लेकिन तभी 83 उस डॉल को अपने गले से लगा लेती है और ये देखकर हार्डमैन बाकी लड़कियों के सामने उसे बुरा एग्जाम्पल बताता है और गुस्से में आकर उस डॉल का सिर फाड़ देता है। दोस्तों, नंबर 83 के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो कभी भी बाहर आ सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है नंबर 83 अपनी बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल के साथ टीनेजर एज में आ जाती है और उसकी यहाँ पर सबसे बड़ी कंपटीटर है नंबर 84, जो हर चीज़ में हमेशा उसके बाद सेकंड रही है। दोस्तों, नंबर 84 नंबर 83 से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अगर वो लोग एक ही एजेंसी के लिए काम नहीं कर रही होती तो नंबर 84 83 को मार देती। अब नंबर 83 को सबसे पहले किसी मिशन के लिए एक्टिवेट किया जाता है, यानी इन सभी लड़कियों में से वो पहली लड़की है जिसे पहली बार मिशन पर भेजा जा रहा है। और दोस्तों, हर बार की तरह नंबर 84 इस बात से जेलस होती है और वो इस बात पर खुश नहीं होती, लेकिन वो इस बात के अगेंस्ट जा भी नहीं सकती। अब एक्टिवेट होने के बाद नंबर 83 अपने मिशन पर जाती है और क्योंकि वो टीनेजर है तो उस पर कोई शक भी नहीं करता और इसीलिए वो अपने सारे मिशंस बड़े आसानी से कंप्लीट कर लेती है और हार्डमैन इससे बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि नंबर 83 एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती है जो वो कभी जी ही नहीं सकी। वो अपने मिशन पर, अपने टारगेट पर नज़र रखी हुई थी, तभी वहाँ पास में हो रही टीनेजर पार्टी पर उसकी नज़र पड़ती है और यहाँ पर वो अपने हम उम्र टीनेजर्स को पार्टी इंजॉय करता देख ये समझ जाती है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है और वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है। लेकिन अब वो अपनी टीनेज लाइफ को बेकार नहीं जाने दे सकती और इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि मौका मिलते ही वो इस इंस्टीट्यूशन से भाग जाएगी। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे ये जानना होगा कि आखिर एक नॉर्मल लड़की होती कैसे है और वो रहती कैसे है। अब वो टीनेज गर्ल्स के बारे में जानने के लिए कुछ मूवीज़ देखती है और कुछ मैगजीन्स पढ़ती हैं और जब भी वो अपने किसी मिशन पर होती है तो वो मैगजीन्स खरीदती रहती है जिसे वो चुपचाप से बोरिंग मीटिंग के समय पढ़ती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन यही चीज़ उसको मुसीबत में डाल देती है क्योंकि एक मीटिंग के दौरान हार्डमैन उसे वो मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है। अब हार्डमैन उससे कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन काफ़ी खतरनाक है तो तुम इसे सीरियस लो। अब हार्डमैन इस मीटिंग में एक लड़की की पिक्चर दिखाता है जो माफिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़की है और इसका नाम है विक्टोरिया और इसे 1 घंटे पहले ही किसी शहर में लोकेट किया गया है। हार्डमैन नंबर 83 से कहता है कि इसे 2 दिन के अंदर जिंदा पकड़ना है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये फिर से गायब हो जाएगी। अब दोस्तों, नंबर 84 इस मिशन पर जाना चाहती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस मिशन पर जाएगी तो वो हार्डमैन की फेवरेट बन जाएगी
दोस्तों अब हमें विक्टोरिया दिखाई जाती है जो अपने सामने तीन लोगों को बंदी बनाए हुए है, और इनमें से जब वो फीमेल हॉस्टेज के फेस से मास्क को रिमूव करती है तब पता चलता है कि ये नंबर 83 है। अब यहाँ नंबर 83 पलक झपकते ही सब पर अटैक कर देती है और विक्टोरिया के हाथ में एक हुक लगा देती है जो ऊपर जा रहे एक एरोप्लेन से बंधा होता है। अब उन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है और इसी के साथ नंबर 83 का ये मिशन कम्प्लीट होता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि विक्टोरिया के पास अभी भी उसकी गन है और वो नंबर 83 पर शूट करने लगती है, लेकिन नंबर 83 चाकू से रस्सी को काट के नीचे नदी में कूद जाती है और विक्टोरिया को ऊपर प्लेन में खींच लिया जाता है। अब हार्डमैन जब नंबर 83 को यहाँ पर नहीं देखता तो वो उसके हाथ में लगे डिवाइस से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर नंबर 83 नदी से निकलकर हार्डमैन को सुन लेती है, लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि दोस्तों यहाँ से भागने का उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और यही उसके पास आखिरी मौका था यहाँ से भाग निकलने का, और इसीलिए वो अपने डिवाइस को वही नदी में फेंक देती है। और दोस्तों हार्डमैन को भी ये बताया जाता है कि नंबर 83 से कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हार्डमैन नंबर 83 को इनएक्टिव डिक्लेयर करके विक्टोरिया से अपनी पूछताछ को जारी रखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नंबर 83 अपनी न्यू आइडेंटिटी बना रही है और इस न्यू आईडी का नाम वो मैगन रखती है। इसके बाद वो न्यूटन शहर में एक हाई स्कूल में एडमिशन भी ले लेती है और रहने के लिए वेबसाइट के जरिए एक परिवार को खोज लेती है। एयरपोर्ट पर उसे वो परिवार लेने भी आता है। दोस्तों इस फैमिली में जो मॉम है उसका नाम है मिसेस लार्सन, उनका एक बेटा है जिसका नाम है पार्कर और एक सरकास्टिक सी बेटी है उनकी जिसका नाम है लिज। दोस्तों लिज उसके यहाँ आने से खुश नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है और लिज को मैगन की ये बात काफ़ी अजीब लगती है कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जैसे स्कूल बस में बैठने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब लिज को मैगन बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए लिज मैगन की हेल्प करती है। दोस्तों अब नेक्स्ट सीन में हमें मैगन का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल दिखाया जाता है और मैगन स्कूल में काफ़ी अजीब तरह की ड्रेस पहनकर आती है जिसको देखकर हर कोई उस पर हंसने लगता है। अब लिज यहाँ पर उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए कुछ अच्छे कपड़े भी देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मैगन को अपनी स्कूल असेंबली में फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होने की वजह से एक स्पीच देनी है। अब स्टेज पर जाने से पहले वो स्कूल के पढ़ाकू लड़के से बात करती है जिसका नाम रोजर है। दोस्तों रोजर उसकी यहाँ पर ऑडियो वगैरह सेटअप करने में हेल्प करता है। इसके बाद जब वो असेंबली में अपना स्पीच देती है तो हर कोई उस पर हंसने लगता है और उसे वापस कनाडा लौटने के लिए भी कहते हैं जहाँ से वो आई थी। अब जब सभी लोग उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं तो स्कूल का बैंड लीडर कैशे वहाँ पर आता है और अपने गाने से उन सभी को चुप करवा देता है। दोस्तों कैशे यहाँ पर इस स्कूल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़का है जिसे स्कूल में हर कोई पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि मैगन को भी वो बहुत पसंद आता है। अब लंच ब्रेक टाइम पर कुछ चीयर लीडर्स उसको अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैगन अपनी देखी हुई मूवीज़ के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है और उन्हें मतलबी समझकर उनके साथ खाना खाने से मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बायोलॉजी की क्लास में रॉजर्स और मैगन की मुलाकात एक बार फिर से होती है और रॉजर की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो मैगन को पसंद करता है, लेकिन मैगन तो सिर्फ कैश के बारे में ही सोच रही होती है। इसके बाद अगले दिन उसे कैश का लैब पार्टनर बना दिया जाता है जिसमें मैगन बहुत ज़्यादा खुश भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्लास की लड़कियाँ मैगन से कहती है कि वो किसी और को पार्टनर बना ले ताकि वो लड़कियाँ खुद कैश की पार्टनर बन सके। और क्लास के बाद वो लड़कियाँ मैगन से कहती है कि कैश को वो लड़कियाँ पसंद है जो स्कूल के मास्कोट का रोल प्ले करती है। और दोस्तों यहाँ पर मैगन बेचारी भोली सी है, वो तो इनकी हर बात पर विश्वास कर लेती है और वो ये नहीं समझ पाती कि वो लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से मैगन ऑडिशन देने के लिए चली जाती है और वहाँ पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उसे अगले गाने की प्रैक्टिस के लिए बुला लिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस के दौरान मैगन को मास्क पहने हुए कुछ लोग किडनैप करने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन यहां मैगन अपनी फाइटिंग स्किल से सबकी धुलाई कर देती है और उसकी ये फाइटिंग स्किल्स देखकर सब लोग बहुत चौंक जाते हैं। मैगन को लग रहा था कि ये हार्डमैन के एजेंट होंगे जो उसे लेने आए होंगे, लेकिन दोस्तों असल में वो स्कूल के बदमाश बच्चे थे जो मैगन को परेशान करना चाहते थे। और मैगन को जब तक इस बात का रियलाइज़ होता है तब तक तो लोग उसका वीडियो बना लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देते हैं, और मैगन ये सोच कर अब बहुत डर जाती है कि अगर किसी ने यह वीडियो देख लिया और मुझे पहचान लिया तो मुझे फिर से वहाँ पर जाना होगा।
अब हमें फिर से हार्डमैन दिखाया जाता है जो विक्टोरिया से पूछताछ कर रहा होता है। विक्टोरिया हार्डमैन से कहती है कि उसका इस तरह से छोटी बच्चियों का बचपन चुरा लेना एकदम गलत है, लेकिन हार्डमैन कहता है कि वो किसी अच्छे काम के लिए ही ऐसा कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टोरिया नंबर 84 में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करेगी यहाँ से भागने के लिए। अब बहुत जल्द मैगन का भी वो वायरल वीडियो इनके पास आ जाता है और उसे देखकर वो सोचते हैं कि मैगन अब किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। अब हमें मैगन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में बातें कर रहा होता है और अपनी फाइटिंग स्किल्स की वजह से वो रातों रात में ही स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की बन जाती है। और दोस्तों, जब कैश उसे स्कूल के बाद अपने बैंड प्रैक्टिस में बुलाता है तब तो उसका दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहाँ पहुँचकर वो रोजर से मिलती है और कैश के आने तक उससे बातें करती है। दोस्तों, रोजर को मैगन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो उससे कहता भी है कि हम दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन इधर मैगन कैश के बारे में इतना ज़्यादा सोच रही होती है कि उसे रोजर की बातें समझ ही नहीं आती और ये भी नहीं समझ पाती कि रोजर उसे पसंद करता है। अब उनके स्कूल का एक लड़का कूज अपने घर पर एक पार्टी रखता है जिसमें वो मैगन को भी इनवाइट कर देता है और मैगन इस पार्टी के बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि उसने तो सिर्फ पार्टीज़ के बारे में सुना है, उनको कभी इंजॉय नहीं किया। अब दोस्तों, उसी दिन घर जाते वक्त उसे प्रिस्कॉट एकेडमी के लोग किडनैप कर लेते हैं। हार्डमैन को ये लगता है कि मैगन किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है और वो उसकी ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, और इसीलिए वो उसे सच बोलने का इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो सच ही बोल रही है। हार्डमैन को लगता है कि मैगन की जिंदगी पर उसका पूरा हक है, क्योंकि मैगन को उसी ने सब कुछ सिखाया है और इसीलिए वो उसे दो दिन में बेस में लौटने के लिए बोल देता है। और हार्डमैन के आदमी उसे उसके घर के बाहर फेंक आते हैं ताकि उसकी फैमिली को ऐसा लगे कि वो बस नशे में है। अब मैगन जब रोजर से मिलने जाती है तो वो भी उसे कोच की पार्टी में बुलाती है, लेकिन रोजर उस पार्टी में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके पापा पार्टीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब मैगन कहती है कि तुम्हारे वहाँ होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ रोजर ही उसका दोस्त है। अब उस रात लिस मैगन के साथ उस पार्टी में जाती है। लिस को ज़बरदस्ती उसकी माँ उसके साथ भेज देती है। पार्टी में मैगन नंबर 84 को देखकर चौंक जाती है, जो यहाँ पर हीथर नाम से आई होती है। मैगन को ऐसे लगता है कि हार्डमैन ने हीथर को यहाँ पर उस पर नज़र रखने के लिए भेजा है, लेकिन हीथर इस बात के लिए ना ही तो हाँ करती है और ना ही मना करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर भी इस पार्टी में आया है क्योंकि मैगन ने उससे कहा था, लेकिन जब वो मैगन को और कैशो को किस करते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। अब पार्टी के एंड में मैगन को कैश उसकी होम कमिंग डेट बनने के लिए कह देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह हार्डमैन मैगन के स्कूल की बस का ड्राइवर होता है। वो यहाँ पर मैगन को चेतावनी देने आया होता है। वो उसे बताता है कि विक्टोरिया पीसकोट एकेडमी से भाग गई है और वो उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रही है और इसीलिए वो उसे एकेडमी वापस लौटाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैगन और लिस अपनी कार में स्कूल जा रहे होते हैं और तभी उन पर एक मास्क पहना हुआ असैसिन अटैक कर देता है और उस दौरान ही मैगन लिस को अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई बता देती है। और कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार क्रैश हो जाती है और असैसिन की कार में से वो असैसिन गायब हो जाता है, लेकिन मैगन उसकी परफ्यूम को स्मेल कर ये पहचान लेती है कि वो असैसिन हीथर ही थी। अब लिस कार क्रैश होने के बाद में हॉस्पिटल में है और मैगन अब यहाँ से चले जाना चाहती है क्योंकि वो किसी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन लिस उसे ऐसा करने से मना करती है। वो उससे कहती है कि ऐसा करना और भी ज़्यादा गलत होगा। और दोस्तों, यहाँ पर इस दिन से इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग हो जाती है। मैगन लिस को अपनी एजेंट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। अब वो दोनों ही होम कमिंग के लिए रेडी होती है और एक दूसरे को तैयार करती है। लिस कूज के साथ अब पार्टी में जाती है। वो सोचती है कि वो अब सुधर चुका है, लेकिन उसे क्या पता कि वो अभी भी पहले वाला ही बदमाश है। और दूसरी ओर मैगन कैश के साथ जाती है। मैगन ने सोचा था कि वो रात काफ़ी खास होगी, लेकिन वो पार्टी में नोट करती है कि कैश का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वहाँ वो समझ जाती है कि कैश का पूरा ध्यान बस खुद को पॉपुलर करने में है। अब मैगन कैश को छोड़कर रोजर के पास जाती है और उससे डांस के लिए पूछती है, लेकिन रोजर उसको मना कर देता है और रोजर के मैगन को मना करने पर हीथर काफ़ी चौंक जाती है। इसके बाद रोजर हीथर के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैगन और हीथर दोनों ही लड़कियाँ रोजर के लिए लड़ने लगती हैं
जिसकी वजह से पार्टी पूरी खराब हो जाती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंच जाती है और हीथर इधर मैगन को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर लिज आकर हीथर के पाँव में एक टूथपिक चुबा देती है और फिर मैगन उसके सर पर मार कर उसे गिरा देती है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपने घर जाती हैं और उसके घर पर विक्टोरिया ने उसकी मॉम यानी मिसेज लार्सन और उसके हस्बैंड को किडनैप कर रखा है। अब मैगन यहां पर सबसे फाइट करती है लेकिन तभी विक्टोरिया का आदमी उसके फैमिली मेम्बर को गन पॉइंट कर लेता है और उसको बचाने के लिए उसे उनके सामने सरेंडर करना पड़ता है। और दोस्तों मैगन अभी भी वेट कर रही है कि हार्डमैन उसे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा और विक्टोरिया यहाँ पर उस पर बहुत हंसती है। वो मैगन को बताती है कि ठीक उसी की तरह वो भी प्रिस्कॉट एकेडमी से भाग गई थी। अब विक्टोरिया मैगन को लड़ाई के लिए भी चैलेंज करती है और उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा देती है। अब यहाँ पर हार्डमैन भी आ जाता है मैगन की मदद करने के लिए। यहाँ आते ही वो विक्टोरिया को बेहोश कर देता है। मैगन हार्डमैन को गले लगाकर उसे थैंक्स कहती है। और फ्रेंड्स मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैगन रोजर को उसके घर जाते समय रोक लेती है और फिर उससे मिलके उसे अपने साथ ले जाती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।